कमेंट्स आ रहे हैं और उसमें बोला जा रहा है कि लव जिहाद, किस बेसिस पे लव जिहाद बोला जा रहा है, आई डोंट नो व्हाई यू गाइस आर सेइंग दैट इट्स अ लव जिहाद, इट्स नॉट अ लव जिहाद, आई हैव डन अ मैरिज विद माय चॉइस, मैंने अपनी मर्जी से शादी की, और पता नहीं इस शादी को रिलीजन का मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है, क्यों ये आप लोग इसको पॉलिटिक्स के ज़रिए देख रहे हो, क्यों आप लोग इसमें पॉलिटिक्स खेल रहे हो। हमारी मेरी आईडी से मेरी वीडियो हटा दी गई, उसके बाद हमारी वीडियो ऐसे वायरल की जा रही है, लव जिहाद दिस इज़ नॉट अ लव, हाउ यू गाइज आर सेइंग दैट यू गाइज नो व्हाट इज़ गोइंग इन माई लाइफ, इफ़ यू गाइज डोंट नो दैट व्हाई यू गाइज आर अब्यूजिंग एंड क्रिएटिंग योर ओन कंटेंट। 14 जुलाई को जब कानपुर की पुलिस और चांदनी महल थाने की पुलिस के सामने मेरे पापा भी थे, उन सबके सामने मेरे बयान हुए, लिखित बयान होने के बाद कानपुर की पुलिस, जिनमें से अखिलेश कुमार यादव जो है, उन्होंने अपने फ़ोन से वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद जब मैंने सारे बयान लेके पुलिस चली गई, उसके बाद चांदनी महल थाने में भी मेरा बयान हुआ और जहां हम रहते वापस आ गए। 8 अगस्त को हमें पता चलता है कि न्यूज़ में हमारे रिपोर्ट लिखी है, मोहम्मद फैसल ने मुझे जबरन ज़बरदस्ती ले जा चुके। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब गुमशुदगी की रिपोर्ट पे 14 जुलाई को पुलिस आई थी, उन सब के सामने मेरे बयान हुए, बयान होने के बाद ये 8 अगस्त को किस बेसिस पे ये न्यूज़ निकली, किस बेसिस पे ये FIR हुई है। फिर न्यूज़ निकलने के बाद ठीक 11 अगस्त को मैंने 8 अगस्त को फिर 9 अगस्त को मैंने सारे पुलिस से, जिन अखिलेश कुमार यादव जो आए थे, मैंने उनसे फ़ोन पर बात की, थाना प्रभारी से बात की कि ये क्यों आप लोग न्यूज़ निकाल रहे हो जबकि मेरे बयान हो चुके, मेरे सब कुछ हो गए। तो वो बोल रहे हैं कि मैं हम कुछ नहीं कर रहे, ये आपके पापा कर रहे हैं और आपके पापा करा रहे हैं ये चीज़ें, हमें पता है आपकी शादीशुदा लाइफ है, आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे से रहो, हमारी पुलिस से आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। ये सारी बात होने के बाद उसके बाद 11 अगस्त को कानपुर की पुलिस फिर वापस चांदनी महल थाने आती है, वहाँ से मेरे चांदनी महल थाने में मेरे फूफा फूफू को लाती है और मेरे फूफा को मारती है, उनसे हमारा पता पूछ रही है कि कहाँ है लड़की, लड़के को लेके आओ। मुझे ये नहीं मालूम किस बेसिस पे क्यों किस बात की FIR लगाई गई है जब मेरे बयान हो चुके थे, और किस लिए ये लव जिहाद लगाया जा रहा है मुझे नहीं मालूम, क्यों आप लोग इस चीज़ को लव जिहाद बना रहे हो। हमने मैरिज की है ना कि हमने कोई क्राइम किया है, लव जिहाद है ही नहीं, मैं भूल रही हूँ, मैंने अपनी मर्जी से की है, अपने मर्जी के मुताबिक की है, बिना किसी प्रेशर से, बिना किसी बर्डन पे। बार बार हम पुलिस से मदद मांग रहे हैं तो हमें कहा जा रहा है कि आपको कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं है, फिर एक तरफ देखा जा रहा है कि पुलिस उठा के ले जा रही है, मार रही है और पता पूछ रही है, FIR दर्ज है, किस बेसिस पे ये FIR दर्ज हुई है, हम में से किसी को ये समझ ही नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है, मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है। हम हेल्प मांग रहे हैं, उसके बाद इस चीज़ को रिलीजन का मुद्दा बना दिया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम बना दिया जा रहा है। एक पर्सन ने अगर शादी की है तो उसको ज़रूरी है क्या कि रिलीजन से आप ऐड करें, हमारा किसी भी रिलीजन से कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई ऑब्जेक्शन नहीं क्रिएट कर रहे हैं, हमने बस अपनी मर्जी से अपनी शादी की है बस, और हम अपनी मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं, जिसका अधिकार ये लॉ भी देता है। आप लोग अब्यूज़ कर रहे हैं, निगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, आप अगर किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते, किसी का साथ नहीं दे सकते, तो प्लीज़ आप किसी को गंदे वर्ड्स या कुछ भी गलत कमेंट्स या कुछ भी वीडियो कंटेंट आप जो बना रहे हैं वो मत क्रिएट करिए, प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को फर्जी मत बनाइए, इसमें लव जिहाद का मुद्दा मत बनाइए।